दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से। और आप ये सामने देख सकते हो, ये लगा है शाहगढ़ का साइन बोर्ड रेलवे स्टेशन का, जो कि आप देख रहे हो। और आज हम आपको दिखाएंगे शाहगढ़ रेलवे स्टेशन और यहाँ के कुछ अपडेट भी देंगे। तो आप लोग बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर जो नए हो, तो इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कभी मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी और अब इसका गेज कन्वर्जन होके ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको अंदर से दिखाते और घुमाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने शाहगढ़ का रेलवे स्टेशन और ये बाहर का एरिया आप देख सकते हो। यहाँ पर कभी मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी दोस्तों, अब इसका गेज कन्वर्जन होके इसे ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये साइन बोर्ड आप देख सकते हो शाहगढ़ का। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का टिकट काउंटर। दोस्तों यहाँ पर पेंटिंग वगैरह देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से की गई है। और ये आपके सामने टिकट काउंटर रहा, यहाँ पर अभी कोई स्टॉप नहीं आया जिसकी वजह से बंद है टिकट काउंटर। और ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हो शाहगढ़ का। दोस्तों शाहगढ़ रेलवे स्टेशन बनकर कंप्लीट है एकदम, देख सकते हो आप चमचमा रहा है पूरा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर ट्रेनें अभी इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि माला रेलवे स्टेशन से आगे अभी तक काम नहीं हो पाया है और एक दो पुल और पुलिया बनने को बीच में है, जंगल में अभी बहुत सारा काम बाकी पड़ा है जिसकी वजह से इस रूट पर अभी कोई ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है। लेकिन मैलानी से सागर के बीच में रूट एकदम क्लियर है और यहाँ पर सीआरएस ट्रायल भी हो चुका है जो कि सीआरएस ट्रायल सफल भी रहा है। तो रेलवे अगर यहाँ पर मैलानी से सागर के बीच में एक ही दो पैसेंजर ट्रेनें अगर चला देता है तो यहाँ की जनता को बहुत ही राहत मिल जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को लखनऊ की तरफ में जाना होता है तो बस से जाते हैं और बस का किराया बहुत ज्यादा है जिससे कि क्षेत्रवासियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से रेलवे से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए रेलवे को यहाँ पर ट्रेनें चला देनी चाहिए और आगे का जो बचा हुआ काम है माला रेलवे स्टेशन से आगे का, तो उस पर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस रेलखंड का काम पूरा कराया जाए। हमारी और हमारी सभी क्षेत्रवासियों की यही रेलवे से रिक्वेस्ट है। रेलवे स्टेशन को दोस्तों बने बने काफी समय हो चुका है और जिसकी वजह से यहाँ पर तोड़फोड़ भी होने लगी है। देख सकते हो आप यहाँ पर बेंचे वगैरह किस तरह से टूटी हुई पड़ी हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ पर जानवर वगैरह बहुत नुकसान करते हैं रेलवे स्टेशन पर, जो कि हम अभी आपको दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन जर्जर होने लगा है मगर ट्रेनें यहाँ पर अब भी नहीं चलाई गई हैं दोस्तों। और ये दिशा सामने वाली जो आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरनपुर की दिशा है और यहाँ पर कुल तीन ट्रैक्स बने हैं। एक प्लेटफॉर्म नंबर एक है जिस पर हम चल रहे हैं और बीच में मेन लाइन है और उस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर दो है। और ये सामने आप शाहगढ़ का साइन बोर्ड देख सकते हो और ये दिशा जो है सामने वाली देख सकते हो पूरनपुर की है सामने की दिशा। और यहाँ पर सिग्नल वगैरह सारे एकदम रेड हैं जो कि हम अभी आपको थोड़ा आगे से भी करीब से दिखाएंगे। और ये दिशा सामने जो आप देख रहे हो ये पीलीभीत साइड की माला जंगल की तरफ में जाती है जो। और थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ के सिग्नल वगैरह, ये देख सकते हो दोस्तों आप, आपको सिग्नल रेड दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लियर है पूरा रूट यहाँ पर देख सकते हो आप। ये पूरनपुर की दिशा का आउटर है और अब हम आपको लेके चलते हैं पीलीभीत दिशा के आउटर की तरफ में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वायरिंग कहाँ तक हुई है और ये ट्रैक्स जंगल में कहाँ तक बिछे हैं। आप लोग बस लास्ट तक बने रहना। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों नल वगैरह सब खराब हो चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, कोई स्टॉप नहीं है इसकी वजह से। तो फिर से हम दोस्तों आ चुके हैं प्लेटफॉर्म की दिशा में और सामने आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है जिधर हम बैठे हैं और सामने वो प्लेटफॉर्म नंबर दो बना हुआ है। और अब हम आपको दिखाएंगे पीलीभीत साइड का आउटर और साथ में दिखाएंगे कहां तक वायरिंग हुई है। और ये सामने आप देख सकते हो पुराना वाला साइन बोर्ड मीटर गेज के समय का अब भी लगा हुआ है दोस्तों। और ये सामने आप नया साइन बोर्ड देख सकते हो, ये ब्रॉड गेज के समय का है अब का लगा हुआ है।
ये सामने जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है पीलीभीत साइड की दिशा और सामने आउटर। और इसी पर आगे चलकर हम दिखाते हैं आपको कहां तक ट्रैक्स बिछा है, कहां तक वायरिंग हुई है। तो ये आप सामने देख रहे हो दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर मीटर गेज का ट्रैक बिछा था और ये हम आउटर से काफी आगे आ चुके हैं माला की दिशा में। यहां से लाइन सिंगल है देख सकते हो, और सामने आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा सागर का रेलवे स्टेशन। और ये कट लगा है रेलवे ट्रैक पर, सामने देख सकते हो आप, यहीं तक लाइन क्लियर है। और अभी हम स्टेशन से 500 मीटर आगे हैं, देख सकते हो आप हल्का सा आपको स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। और ये इलेक्ट्रिक पोल जो आप देख रहे हो बस यहीं तक वायरिंग है, और ये साइड में आप ऊपर देख सकते हो इसके आगे वायरिंग नहीं है। सामने स्टेशन है आपके, और ये दिशा जो आप देख रहे हो ये दिशा है माला की, माला जंगल में जाता है ट्रैक। और यहाँ पर सिर्फ खंभे लगे हैं, अभी वायरिंग नहीं हुई यहाँ पर। और ये 1 किलोमीटर आगे ट्रैक्स है, इसके आगे अभी नहीं बिछा है। और माला की साइड से अब ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा अभी माला रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे और थोड़ा सा पीलीभीत रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं दोस्तों माला और पीलीभीत की साइड में, जो कि अभी आपको थोड़ा सा वहां का भी काम दिखाएंगे कि कहाँ तक काम हो चुका है। और ये रहा दोस्तों माला का रेलवे स्टेशन, आप साइन बोर्ड सामने देख सकते हो और सामने आपको रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। और यहाँ से अब हम आपको पीलीभीत साइड के आउटर की तरफ में ले चलते हैं और दिखाते हैं। और ये सामने की दिशा है पीलीभीत साइड की, जो कि हम आपको थोड़ा सा आगे ले चल के और अभी दिखाएंगे। और ये ट्रैक्स जो है ये जाता है पीलीभीत साइड की तरफ में। और यहाँ पर अभी बैलास्ट नहीं पड़ा है और ना ही इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं। और यहाँ पर पुल भी बनना है आगे, संडा पुल है। और यहाँ पर अभी बहुत सारा काम है दोस्तों। तो ये थी कुछ यहाँ की अपडेट। और दोस्तों पीलीभीत से आगे इस साइड में माला की तरफ में ट्रैक्स बिछे हुए हैं, सिर्फ सागर से माला और संडई के बीच में जो काम है यही बचा है, बाकी एक हिसाब से हो चुका है और अभी यहाँ पर टाइम लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर जो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ।